और भारतीयों ने सारी दुनिया को एक परिवार मानकर उसके साथ अपनी पहचान बनाई है। चाहे वह कोई जुबान बोलता हो, चाहे मंदिर में वो दिया जलाता हो या मस्जिद में सजदा करता हो, जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। एक और बड़ी खबर यह कि पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या संदेश दिया है, सबसे पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, पार्टी कार्यकर्ता देश के अल्पसंख्यक समाज से वोट की अपेक्षा के बिना मिले, वोट मिले या ना मिले, लेकिन मुस्लिम समाज के बीच में जाए, उनसे मुलाकात करें, उनके साथ अपनी बातचीत स्थापित करें। अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे, ये भी पीएम ने कहा। ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों और हर एक कार्यकर्ता को एक एक वोटर से मिलने उनके दरवाजे तक जाना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी और चर्चों का भी दौरा करें। अमृत काल को कर्तव्य काल में तब्दील किया जाना चाहिए, तभी देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही है। वहीं कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है। देखिए, जो पिछले बार कहा था उसका एक कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, और प्रधानमंत्री जी ये हमेशा कहते हैं कि जब तक समाज के मार्जिनलाइज्ड लोग जो है वो किसी भी समाज के हो, उनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक देश की विकास यात्रा अधूरी होगी, और भारतीय जनता पार्टी लगातार यह प्रयास भी कर रहा है। तो आपको बता दें 2024 के एम फैक्टर का जिक्र जब कर रहे हैं तो कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। हम राज्यवार आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रखने जा रहे हैं। राज्यवार अगर बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी की भी बात करना जरूरी हो जाती है। और ये देखिए, यूपी की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो 19.26%, ये हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ बात करें तो 66 यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कितनी यहाँ पर आबादी है। बिहार के आंकड़े अंजलि जी, आप दूसरे राज्य का रुख करते हैं, ये राज्य है बिहार का, जिसमें मुस्लिमों की तादाद के बारे में अगर बात करें 16.87%, जो कि यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, यानी कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। लोकसभा सीटें कुल कितनी है, 40, और बीजेपी के सांसदों की संख्या कितनी है, 23। तो ये बहुत बड़ा इशारा है राज्यवार जाकर के मुस्लिमों के बीच बीजेपी कैसे अपने संगठन को मजबूत करे, इससे जुड़ा डेटा भी आपको हम समझा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी की बात कर लेते हैं, 27% से ज्यादा यहाँ मुस्लिम आबादी है, लेकिन पर सत्ता में कौन सी पार्टी है, टीएमसी। लोकसभा सीटों का आंकड़ा यहां पर है 39, और यहां पर बीजेपी प्लस सांसद की बात करें तो इनके खाते में है 18 सीटें। जी, अब अगले राज्य का रुख करते हैं, ये राज्य है झारखंड, बिहार से सटा हुआ राज्य। मुस्लिम यहाँ पर है 14.53% के करीब, जेएमएम की सरकार है, और लोकसभा सीटें कुल 14 है, और बीजेपी के सांसदों की संख्या है 11, जो की अच्छी तादाद में। असम की भी बात कर लेते हैं, असम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है 34.22% है, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, और बीजेपी सांसदों की अगर आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर 9 है।